नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। बीआरटीएस पर सियासत, जी हां, भोपाल में बने बीआरटीएस कॉरिडोर को हटाने के निर्देश अब दे दिए गए हैं। कल की बैठक में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इसे हटाने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि 13 साल पहले इस कॉरिडोर का निर्माण 360 करोड़ रुपए की लागत से किया गया था। 24 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर को बनाते समय तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दावा किया था कि भोपाल को ट्रैफिक जाम से निजात मिलेगी, लेकिन अब ये यातायात प्रबंधन में बाधा बन रहा था और इसके मेंटेनेंस पर भी हर साल लाखों रुपए खर्च हो रहे थे। कॉरिडोर पर केवल निगम की यात्री बस, सरकारी वाहन और वीआईपी वाहन ही गुजरते थे। अब मोहन यादव सरकार का कहना है कि बीआरटीएस की वजह से ही भोपाल के लोगों को ट्रैफिक जाम की दिक्कत उठानी पड़ रही है, लिहाजा इसे चरणबद्ध तरीके से हटाया जाए। अब इसकी जगह पर सेंट्रल रोड डिवाइडर बनाने पर सहमति बनी है। माना जा रहा है कि बीआरटीएस को हटाकर सेंट्रल रोड डिवाइडर बनने के बाद ट्रैफिक जाम की परेशानी काफी हद तक कम हो जाएगी। भोपाल की सड़कों से बीआरटीएस कॉरिडोर हटाने के निर्देश मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा दे दिए गए हैं। राजधानी भोपाल में लगभग 24 किलोमीटर का लंबा बीआरटीएस का कॉरिडोर है। इस बीआरटीएस कॉरिडोर से रेड जो बसें हैं वो निकलती हैं, इसके अलावा वीआईपी वाहन के निकलते हैं, सरकारी कर्मचारी यहां से निकलते हैं। इनकी संख्या लगभग 500 से 600 है, जबकि अगर दूसरे साइड जो रोड बने हुए बीआरटीएस के कॉरिडोर के आसपास जो रोड बने उस पर लगभग 18.5 लाख वाहन प्रतिदिन गुजरते हैं। तो ऐसे में जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो काफी बदहाल हो रही थी और यही कारण है कि डॉक्टर मोहन यादव ने अब ये निर्णय लिया है कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से ये जो बीआरटीएस कॉरिडोर है उसको हटाया जाएगा। भोपाल कमिश्नर से 3 दिन में जवाब मांगा है, कहा है साफ तौर पर कि आप बताइए कि 3 दिन में किस तरीके से इसको हटाने का प्लान तैयार किया जाए। और देखिए, जब बीआरटीएस कॉरिडोर हटाने की बात सामने आई उसको लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है। राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने साफ तौर पर ये ट्वीट करके लिखा है कि आखिर ये अच्छी बात है कि आप बीआरटीएस कॉरिडोर हटाने का फैसला ले रहे हैं, लेकिन एक टाइम बाउंड इंक्वायरी भी होनी चाहिए ताकि ये पता चल सके कि आखिर किन भ्रष्ट अधिकारियों ने इसको बनाया था। कैमरामैन मोहसिन के साथ सैलेंस सिंह, न्यूज 18 भोपाल। भोपाल से बीआरटीएस हटाए जाने पर सियासत अब शुरू हो चुकी है। राज्यसभा सदस्य विवेक तनखा ने ट्वीट किया, जांच की मांग उनके द्वारा उठाई गई। उन्होंने लिखा कि बधाई डॉक्टर मोहन यादव जी, एक बहुत प्रतिष्ठित निर्णय के लिए, बस एक टाइम बाउंड इंक्वायरी की जरूरत है। किन नौकरशाह के शौक ने ये जन असुविधा रची और किसको फायदा पहुंचाने के लिए करोड़ों में पब्लिक फंड्स का वेस्टेज। आपसे उम्मीद है कि आप जांच के आदेश जरूर देंगे। विवेक तनखा द्वारा ये ट्वीट किया गया है। अब इस पर सियासत गर्मा गई है। बीआरटीएस के फैसले पर कहीं ना कहीं अब सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है। जांच की मांग विवेक तनखा द्वारा की गई है, साथ ही साथ उनके द्वारा ये ट्वीट भी किया गया और सवाल किया गया कि आखिर किसे फायदा पहुंचाने के लिए ये सब किया गया था। तो वहीं बीआरटीएस को लेकर पूर्व सीएम उमा भारती ने भी सवाल खड़े कर दिए हैं। सोशल मीडिया पर उन्होंने सीएम डॉक्टर मोहन यादव की सरकार के द्वारा बीआरटीएस कॉरिडोर हटाने के फैसले को सही बताया और कहा कि इसको ऐसे क्यों बनाया गया, इसकी जांच होनी चाहिए। तो सरकार के लोग ही अब जो है सवाल उठा रहे हैं। विपक्ष तो सवाल उठा ही रहा है, जांच की मांग कर ही रहा है, पर सरकार के लोग भी इससे दूर नहीं है। सरकार के लोग भी जो है सवाल उठा रहे हैं। उमा भारती पूर्व सीएम रह चुकी हैं और लगातार अपने बयानों को लेकर के विवादों में बनी रहती हैं। आए दिन ऐसे बयान दे देती हैं जिसके बाद कहीं ना कहीं जवाब देना मुश्किल बीजेपी के लिए हो जाता है। और अब उन्होंने जो है सवाल उठाया है, जांच की मांग उनके द्वारा भी की गई है। और हमारे साथ खास चर्चा के लिए खास मेहमान भी है, गोविंद मालू जी, ये बीजेपी प्रवक्ता है। गोविंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अभिनव बरोलिया है, प्रदेश प्रवक्ता है कांग्रेस से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अभिनव जी, डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा है, वरिष्ठ पत्रकार है, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले गोविंद मालू जी आपका रुख कर लेती हूँ। बीआरटीएस मुक्त भोपाल अब होगा, इसका बड़ा फैसला तो आपने ले लिया, पर आखिर इसके आगे क्या, ऐसा कारगर क्या फैसला होगा कि नॉन बीआरटीएस भी अच्छा चल सके, सुविधाएं मिल सके? गोविंद मालू जी,
जी मैं समझ जी आ गया, उसका सभी ने स्वागत किया है। आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है गोविंद मालू जी, फिर से कोशिश करेंगे आपके पास आने की। अभिनव बरोलिया जी हैं। अभिनव जी, लगातार मांग होती रही, प्रयास किया गया इतने साल तक, रिव्यू किया गया, फाइनली अब जाकर के बीआरटीएस मुक्त राजधानी बनाने का फैसला लिया गया है। जब आपकी सरकार आई थी तब भी कहीं ना कहीं प्रयास इसके लिए किए जा रहे थे, अब जब फैसला हुआ है क्या कहेंगे आप? देखिए, हमारे अल्प समय की सरकार में, कमलनाथ जी की सरकार में, जयवर्धन सिंह जी ने भी इस मामले को उठाया था और भूपेंद्र सिंह जी ने तो लगातार इस मामले को उठाया था कि इसको फौरन खत्म कर देना चाहिए। ठीक है, बहरहाल अभी ये सारा मामला सामने आया है और लगातार जिस तरीके से बातें सामने आ रही, पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती जी और हमारे कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा जी ने भी बोला कि पब्लिक वेस्टेज का मामला है, इसकी जांच भी होना चाहिए। 360 करोड़ का कुछ नौकरशाहों के शौक में, मतलब कुछ नौकरशाहों के शौक में इतना बड़ा वेस्टेज हुआ है, तो उसकी जांच भी होना चाहिए और स्वागत योग्य कदम है। पहले भी जयवर्धन सिंह जी ने भी इसकी मांग करी थी और भूपेंद्र सिंह जी जब मंत्री थे भाजपा शिवराज सिंह जी की सरकार में तब भी ये मांग हुई थी, तो लगातार। लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि इसको कुछ जो अफसरशाह थे, भ्रष्टाचारी जो अफसरशाह रहे हैं शुरू से देखने को मिला है, ये नौकरशाह जो होते हैं ये अपने शौक के लिए इस तरीके की जो योजनाएं लाते हैं और उसके बाद जब परेशानी सामने आती है, तो ये एक ताजा उदाहरण है कि ऐसे उदाहरण लगातार जो बनते हैं तो इस पे भी लगाम कसने की बहुत जरूरत है। और विवेक तन्खा जी ने भी, हमारे सांसद जी ने भी इस बात को उठाया है और इसकी जांच की मांग की है, तो हम चाहते हैं कि इन पे जांच हो और जो नौकरशाह हैं उन पर लगाम कसी जाए। जांच के दायरे में जब जांच होती है और उसमें जब सामने आते हैं तथ्य, तो बहुत सारी बातें सामने आएंगी कि किसकी भेंट चढ़ा है ये इतना बड़ा जो कॉरिडोर बना था। ठीक, लौटूंगी आपके पास अभिनव जी। गोविंद मालू जी, आपको आवाज मिल पा रही है? मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी जी बिल्कुल मिल रही है। राजधानी से मुक्त करना है आपको बीआरटीएस, आखिर इसे मुक्त करने का आपने फैसला तो ले लिया, पर बेहतर नॉन बीआरटीएस इसके लिए आपको देना होगा, कोई योजना बनानी होगी, किस तरह की तैयारी आगे के लिए? देखिए, आगे की तैयारी के लिए प्लान बनाने का कह दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, और चूंकि अब ये यातायात का दबाव ज्यादा हो गया और अब मेट्रो भी यहाँ पर आकार ले रहा है, इसलिए आवश्यकताएं जो जनता की है उसकी प्रतिपूर्ति के लिए सरकार हमेशा सजग रही है। एलिवेटेड कॉरिडोर भी बनाने की बात है और मेट्रो का काम चल ही रहा है, लेकिन ये बीआरटीएस हटाने के बाद मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा बेहतर यातायात और हो जाएगा और लोगों को राहत भी मिलेगी और सभी ने इसका स्वागत भी किया है। मैं समझता हूँ कि पॉजिटिव चीज को पॉजिटिव लेना चाहिए, उसमें नकारात्मक चीजें ढूंढने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल, सरकार सकारात्मक ढंग से जनता के हित में ले, सकारात्मकता जो है गोविंद मालू जी जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये इतने समय में क्यों नहीं आई? 4 साल से इतनी बार रिव्यू चल रहा था, तब सहमति क्यों नहीं बन पाई? 2019 जैसे कि बताया गया कि जब कांग्रेस ने 1.5 साल में क्यों नहीं किया, ये प्रश्न तो कई सारे अनुत्तरित रह जाते हैं, यानी जब हुआ अंत भला तो सब भला, इसलिए यदि अभी का फैसला हुआ है, फैसले के लिए प्रक्रिया प्रारंभ हो गई, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लेके उसका 3 दिन में अधिकारियों को जो निर्देश दिए, मैं समझता हूँ उसका सभी ने अभिनंदन किया है और इस पर आगे हमको जाना चाहिए। हम पहले संज्ञान नहीं लिया जाता था मालू जी, इतना पैसा लगा बिना योजना देखे या बिना तैयारियों के साथ, जिस तरह से हम देखे कॉरिडोर से कॉलोनियां नहीं जोड़ी गई, फ्लाईओवर्स बन गए जहां जो चीज नहीं होनी चाहिए थी, पहले शायद चीजों पे ध्यान नहीं दिया गया, एनालिसिस नहीं हुआ, बस बना दिया गया शायद चाहत में कि नहीं शायद ये होना चाहिए राजधानी में, ये माने? देखिए, हमेशा आवश्यकता के अनुरूप यदि कोई प्रयोग होता है और वो अच्छे के लिए होता है प्रयोग, उसके लिए अंदर गलतियां ढूंढने की कोशिश तो हर कोई कर सकता है, लेकिन प्रयोग अच्छे के लिए हो सकता है। हो सकता है उस समय मेट्रो का कोई योजना नहीं थी, कोई एलिवेटेड कॉरिडोर की, कोई दूसरे फ्लाईओवर की, इसलिए उस समय की आवश्यकता यह थी, उस समय बनाने की बात कही होगी और ये सारे प्रक्रिया को अंजाम दिया हुआ होगा। मैं समझता हूँ कि हमेशा ऐसे कई सारे आते हैं, अवसर आते हैं जिसमें रद्दोबदल होता है, तकनीक में भी होता है, आवश्यकताओं में नए नए तरीके, नई नई चीजें इजाद होती है, यातायात की सुविधाएं भी बढ़ती हैं। मैं समझता हूं कि उसके लिए
ये बदलाव हमेशा होते रहने का एक प्रक्रिया के अंतर्गत होता है। कई सारी जो चीजें हमारे सामने नहीं आ लगा रही है, कहीं ना कहीं नौकरशाहों को जो है फायदा पहुंचाने के लिए, अफसरशाहों को फायदा पहुंचाने के लिए यह सब किया गया और अब ये सब किया जा रहा है, अब हटाया जा रहा है। पहले फायदा पहुंचाया गया, अब जब दुरुस्त करनी है व्यवस्था तो ये फैसला ले लिया गया। माननीय मोहन यादव जी ने 15 दिन में संज्ञान लिया कि नहीं, कांग्रेस 15 महीने में नहीं ले पाई। अगर इतनी बातें करने के अलावा, केवल बातें करने से कुछ काम नहीं चलता है, काम करना पड़ता है, जो काम हमने करके दिखाया। आप 15 महीने की बात करेंगे तो 15 साल का भी हिसाब देना पड़ेगा। ठीक है, लौटूंगी आपके पास। सत्यप्रकाश शर्मा जी भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सत्यप्रकाश जी, पूरे सिनेरियो को आप कैसे देख रहे हैं? पहले बीआरटीएस में इतना पैसा खर्च किया गया, 350 करोड़ से ज्यादा का पैसा खर्च हुआ, उसके बाद मेंटेनेंस लगातार इतने सालों से होता रहा, उसमें करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए, फिर रिव्यू किया गया कई बार, इतने सालों से रिव्यू होता रहा पर फैसला नहीं लिया गया, अब जाकर के फैसला लिया गया है। अब जब फैसला लिया है तो अब खर्चा नहीं होगा? देखिए रितु जी, सबसे पहले तो चीफ मिनिस्टर मोहन यादव जी को मैं पब्लिक इंटरेस्ट में लिए गए इतने बेहतरीन निर्णय के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। एक्चुअली क्या है कि देखिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। ये नए, कभी जब चीजें बदलती है ना, तो पुरानी चीज पर पानी नहीं डाला जाता बल्कि उसको उभारा जाता है। वो काम कहीं ना कहीं डॉक्टर मोहन यादव जी ने किया है। देखिए, ये जो बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम जो होते हैं, ये कहां फिजिबल हैं, इसकी स्टडी होनी चाहिए, तब इसके बाद इनको इंप्लीमेंट किया जाता है। भोपाल में आपने देखा होगा कि इसके बनने के बाद से ट्रैफिक जो प्रेशर है वो तो बड़ा, लेकिन आपने देखा कि इसके बढ़ने से साथ साथ जो चीजें ट्रैफिक स्मूथ होना चाहिए था वो तो नहीं हुआ, बल्कि एक्सीडेंट बहुत बड़े जिसमें कई लोगों की मौतें भी हुई। यानी कि भोपाल की सड़कें कितनी चौड़ी हैं, कहां ये फिजिबल है, वहां पर बनाना चाहिए था। और ये उनका जो निर्णय है, बाकी अभी डिपार्टमेंट के मिनिस्टर भी नहीं बने हैं, लेकिन उन्होंने आते ही अपनी जो उनका टेक्नोलॉजिकली साउंड इसमें दिख रहे हैं और पब्लिक के इंटरेस्ट में उनका ये फैसला देखा जा रहा है कि कम से कम लोगों की जानें तो बचेंगी, ट्रैफिक स्मूथ तो होगा, क्योंकि बहुत सारा एरिया बीच में जो चला जाता था जिसके कारण ट्रैफिक जैम की स्थिति जो बनती थी वो कहीं ना कहीं समाप्त हो गई, लोगों की जानें बचेंगी, यानी कि रोड सेफ्टी के मामले में भी ये बड़ा स्टेप है। लेकिन एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि जब लगातार बीजेपी के लीडर्स ने भी, कई एमएलए ने भी ये बात उठाई कि इसको बंद किया जाए, तो शिवराज सिंह चौहान की सरकार के दौरान इसको बंद क्यों नहीं किया गया? इसका सबसे बड़ा कारण ब्यूरोक्रेसी कि जो उनके इर्द गिर्द घूमती थी, उस ब्यूरोक्रेसी का ही ये कहीं ना कहीं परिणाम था कि ये जो कॉरिडोर बना। लेकिन ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम बनते हैं एडवांस सिटीज में, बनते हैं कई देशों में बनते हैं, लेकिन वहां बनते हैं जहां की सिचुएशन ऐसी हो कि उनको आगे रन किया जा सकता हो। ये केवल इतना बड़ा बजट खर्च करने, और आप जानते हैं कि जब बजट खर्च होते हैं तो उसमें क्या क्या नहीं होता, ये सब जानते हैं। तो ये कहीं ना कहीं उन अफसरों जो इसको लाए थे उन पर एक्शन भी मोहन यादव जी को सुनिश्चित करना चाहिए, जिससे कि भविष्य में कोई भी ऐसी परियोजना नहीं आए जो लोगों की जान माल का खतरा बने, साथ ही राज्य के जो कोषाला है उस पर बड़ा भार पड़े। अब देखिए, आप देखते हैं कि बीएमसी की स्थिति इस समय इतनी अच्छी नहीं है कि वो इन सब चीजों को तोड़ के दोबारा कुछ बनाया जाए, तभी तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये बेहतरीन फैसला लिया कि ये जो काम होगा वो पीडब्ल्यूडी करेगा, और जो फ्लाईओवर्स बनेंगे कहीं ना कहीं उससे रोड में स्मूथनेस यानी ट्रैफिक में स्मूथनेस आएगी। तो मैं तो भाई इस डिसीजन का बहुत स्वागत करता हूं, और लॉन्ग अवेटेड डिमांड थी लोगों की, जिसका उन्होंने आपके पास। गोविंद मालूजी का एक बार फिर से रुक कर लेती हूँ। गोविंद जी, देखिए ब्यूरोक्रेसी के मामले में आप क्या कहेंगे कि वाकई क्या ब्यूरोक्रेसी थी यहां पर? और दूसरा सवाल, उमा भारती तक सवाल उठा रही हैं, जांच की मांग कर रही हैं, वाकई क्या यहां पर जांच की जरूरत है? कोई गोलमाल बड़ा हुआ है जिस वजह से सरकार खुद ही गिरती हुई नजर आ रही है अपने नेता की वजह से? देखिए, उमा जी की बात पर मैं इसलिए कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि वो सारा मुख्यमंत्री जी उस पर विचार करेंगे, क्या करना है उनकी कथन पर, उस पर आगे बात करेंगे। लेकिन मैंने पहले ही कहा कि इसको सकारात्मक रूप से पहला कदम हुआ है, उसके बाद की बात तो मुख्यमंत्री जी खुद उसको संज्ञान जब लिया है तो आगे भी यदि कुछ उसमें किसने क्यों किया, क्या किया, इसकी मैंने पहले ही कहा कि हमेशा प्रयोग होते रहते हैं, प्रयोग कभी अच्छे भी होते हैं सकारात्मक। बाकी कैसे सोचेंगे गोविंद मालू जी, बाकी सब कैसे सकारात्मकता के साथ सोचेंगे अगर आपकी ही पार्टी के लोग, बड़े नेता नकारात्मकता के साथ जवाब देंगे तो जनता कैसे सकारात्मकता के साथ सोचेगी या विपक्ष कैसे सोचेगा सकारात्मक?
नहीं है। हमने कहा ना कि प्रयोग करना यातायात को सुधारने के लिए, लोगों को लोक सुविधाएं, लोक परिवहन सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कई सारे प्रयोग होते हैं। देखिए पहले कभी बाईपास पर 4 लेन बनते, अब 6 लेन बने, पहले क्यों नहीं बनाया 6 लेन को, 50 साल की प्लानिंग क्यों नहीं है, कई सारे प्रश्न उठ सकते हैं। उसके बाद प्रति प्रश्न तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जब पहला कदम उठाया है तो अगली बार अगला कदम उनका कोई संज्ञान लेकर जो क्या हुआ कैसे हुआ इस बारे में भी वो अपना सरकार हमने अपनी स्थिति को हम लोग स्पष्ट करेंगे। लेकिन वास्तव में ये जनता के हित के लिए उठाया गया था, लोक परिवहन जनता के हित के लिए बड़ा फैसला आपने लिया है। सुरक्षा कहीं ना कहीं होगी, ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त होगा, बहुत बधाई आपको इसके लिए। तैयारी क्या है, कैसा रोड मैप आपने इसके लिए तैयार किया है, क्योंकि इसके लिए आपको कहीं ना कहीं जो है रोड सेफ्टी पर भी ध्यान देना होगा, बस स्टॉप बनाने होंगे, दिव्यांगों सीनियर सिटीजन को भी ध्यान में रखते हुए तमाम व्यवस्थाएं करनी होंगी, उसके लिए कैसी तैयारी है और अमल में आखिर कब आएगा ये? रोड सेफ्टी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। देखिए आप इंदौर भोपाल की रोड पर कई बार पहले दुर्घटनाएं होती थी, लेकिन अब रोड सेफ्टी के जो मेजर्स हैं उनको ठीक किया गया है। कई जगह पर रोड सेफ्टी के जो प्रयोग हैं वो सार्थक सिद्ध हुए। तो ये मैंने कहा ना कि ये हमेशा दिक्कतें आती है, उसके बाद उसकी समस्या का भी समाधान होता है। पहले भी उसकी बारे में योजना बनती है, उसमें क्या क्या दुश्वारियां आ सकती है, क्या क्या तकलीफें आती है, उसके बारे में विचार तो, लेकिन मानव है, खुद मनुष्य है, कोई भगवान तो है नहीं कि वो सब चीजों को पहले ही सारी चीजों को समझ लेगा। लेकिन जितनी समझ के बात की जाती है वो बेहतर और सकारात्मक सोच के कारण की जाती है, जनता को सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए। 15 साल पहले ना ये सकारात्मकता वाली सोच के साथ ही ना बीजेपी आगे बढ़ी थी, ये फैसला लिया था और कहा था कि ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त की जाएगी, उसके लिए बड़ा फैसला लिया जा रहा है, कहीं ना कहीं निजात लोगों को परेशानी से मिलेगी, तब भी यही सोच के फैसला लिया था, अब भी यही सोच के फैसला लिया जा रहा है। बात वही है कि क्या वैसी स्थिति तो नहीं बनेगी आने वाले समय में, इसके लिए भी सोचकर बीजेपी चल रही होगी ना? ये मैंने कहा ना काल्पनिक प्रश्न है, हम अच्छा सोचे ना, बुरा क्यों सोचे कि ऐसा होगा तो क्या होगा, अच्छा ही होने के लिए काम किया है मुख्यमंत्री जी ने, तुरंत संज्ञान लिया है। दोनों पहलू आपको सोचने पड़ेंगे, बिल्कुल सोचने पड़ेंगे, दोनों पहलू पर आप काम करेंगे ना, दोनों पहलू पर काम होगा कि नहीं? देखिए अब यदि आप काम ही नहीं करेंगे तो कैसे सुविधा मिलेगी, गलतियां भी होगी। अब काम जो करेगा ही नहीं उससे गलतियां कहां होगी, पहले की सरकारों ने काम ही नहीं किया। हमारे समय कितने फ्लाईओवर बने, कितने रोड चौड़े हुए, कितने बाईपास बने, कितने लौटती हूँ आपके पास, बहुत देर आपसे जवाब ले लिया मैंने। अभिनव वरोलिया जी भी हैं। अभिनव जी, 15 महीने तो आप भी सत्ता में थे, पहल की गई थी तब आप भी फैसला लेते ना, और अगर अच्छा फैसला बीजेपी ने लिया है, कहीं ना कहीं यातायात दुरुस्त होगा, यहाँ पर लोगों को सहूलियत होगी, क्या दिक्कत है, अच्छी बात है ना? मैं बिल्कुल सुन रहा था और मुझे ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और भारतीय जनता पार्टी की सोच यह है कि कांग्रेस पार्टी सवाल ही ना उठाए, कांग्रेस पार्टी को सिर्फ कोसने के अलावा भारतीय जनता पार्टी के लोग कुछ नहीं करते। हमने जायज सवाल उठाया है कि पब्लिक वेस्टेज हुआ है, अगर इनने ये वो कह रहे हैं कि हमने तो बिल्कुल बना दिया और हमने तो एक अप्लाई किया, तो क्या जनता के टैक्स का पैसा आप पब्लिक फंड में इस तरीके से वेस्ट करेंगे? 350 करोड़ का आपने प्रोजेक्ट बनाया और अब मनाया तो आपने हटा दिए, जब उस टाइम क्यों नहीं सोचा? हम सवाल उठा रहे हैं नौकरशाही पर, नौकरशाह जो ब्यूरोक्रेसी है उसने भ्रष्टाचार किया है, उसकी जांच होनी चाहिए, उन्होंने अपने शौक के लिए इस कॉरिडोर को बनाया है क्या? इस सारी बातों के लिए हमने पॉजिटिविटी से बात करी, इसमें नेगेटिविटी कहां है? ये बात तो उमा भारती जी भी कह रही हैं, तो हम अगर ऐसी बात कर रहे हैं तो आप देखिए, ये पहले ऐसा लग रहा है कि कुछ भी नहीं हुआ, सड़कें भी नहीं बनी है, तो इनकी सरकार में ही सब कुछ हुआ है, तो ये सब कहने से अच्छा है कि गोविंद मालू जी बहुत वरिष्ठ हैं, इतनी समझदारी से बात कर रहे हैं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि सवाल उठाए जा रहे हैं ब्यूरोक्रेसी पे कि उन्होंने ऐसा किया है। हमारी अल्प समय की सरकार थी, जयवर्धन सिंह जी ने कोशिश करी थी, मात्र 10 महीने की सरकार थी, चाहते अगर हमें टेन्योर मिलता, समय मिलता तो हम जरूर करते, लेकिन ये शुरुआत कब हुई थी? आज से 13 साल पहले। 13 साल पहले अगर ये BRTS कॉरिडोर के बारे में सही से सोचा गया होता, नौकरशाह अगर सही से सोचते तो ये आज करना नहीं पड़ता मोहन यादव जी को। ये गलती तो उस समय की है जो आज भुगतना पड़ रही है, करोड़ों 500-600 करोड़ रुपए बर्बाद हो गए जनता के, मिला क्या? आज भी स्थिति भोपाल में मैं रहता हूं, आप देखिए ट्रैफिक अस्त व्यस्त है। अगर ये सवाल हम उठा रहे हैं तो गोविंद मालू जी कह रहे हैं कि नहीं, सवाल नहीं उठाना चाहिए,
ये नेगेटिव बात कौन कर रहा है? अगर हम विपक्ष में हैं, अगर हम सवाल उठा रहे हैं, तो ये तो हमारा हक है, ये लोकतंत्र है। पर इसका जवाब नहीं दे रहे ना मालूम जी, वही तो बात है ना, वेस्टेज की बात नहीं कर रहे हैं, जो फैसला लिया है उसकी बात कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़े। अभिनव जी आप भी सवाल का जवाब दीजिए ना, 15 महीने में आपने क्या पहल की, सिर्फ बात की पहल क्या की ये बताइए। अरे हमने कोशिश करी मैडम, मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि जयवर्धन सिंह जी ने इस मामले में बोला कि इसको हटाना चाहिए, इसके लिए मीटिंग करी, लेकिन लेट लतीफी जो ब्यूरोक्रेसी करता है उसी में तो सवाल जवाब उठाए हैं हमने। जब 13 साल पहले इस चीज को आगे लाए थे, किस नौकर शाह ने बोला था कि ये कॉरिडोर बनाना चाहिए, किसने इसके फंड्स रिलीज करे थे, इसकी जांच होनी चाहिए। यही बात तो विवेक तनखा जी कह रहे हैं, यही बात उमा भारती जी कह रही है। ठीक तो हम कहां गलत है इसमें, हम तो पॉजिटिविटी के साथ इस बात को आगे ले जा रहे हैं। ठीक मालू जी कुछ कह रहे हैं आप बताइए। मैं कह रहा था कि इनको किसने रोका था, 15 दिन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय ले लिया, मोहन यादव जी ने, इनकी सरकार 15 महीने में कुछ नहीं कर पाई, अब आप सवाल उठा रहे हैं। दूसरी बात, यदि इनको पहले दिन day 1 से गलत लग रहा था 2009 में, तो जनता को साथ लेते इनके, जन जागरण करते, आंदोलन करते, कौन सी सरकार जो आंदोलन के सामने नहीं झुकती है, लेकिन तो जरूर चला जाता है ये इनको खुद ही निर्मल नहीं पड़ रहा है कि क्या करना चाहते हैं। देखिए मैंने कहा ना, हमने सकारात्मक ढंग से काम किया, हो सकता है उसके परिणाम उस समय अच्छे लगे, वो बाद में उसके परिणाम हमको कुछ गलत लगे, तब हमने फैसला, वही तो कह रही हूँ मालू जी, सकारात्मक फैसला लिया गया है, बहुत स्वागत करते हैं इसका सभी, सभी को राहत मिलेगी। हिसाब कौन देगा, इतना जो पैसा लगा था मेंटेनेंस में भी लगा, उसका हिसाब कौन देगा ये बताइए। देखिए मैंने कहा ना कि हिसाब, ये मेंटेनेंस तो हर सड़क पे लगता है, मेंटेनेंस पर भी लगता है, निर्माण में भी लगता है, आवश्यकता के अनुरूप उस समय तक हमेशा फिर घुमाने की कोशिश करते हैं, गोल गोल पूछो कुछ बताते कुछ है। यदि वो आवश्यकता के विस्तार में मेट्रो आ गई है, फ्लाईओवर बन गए हैं, अब यातायात और ज्यादा स्प्रेड आउट हो रहा है, ज्यादा बढ़ रहा है, तो जरूरत उसकी महसूस हुई। मैंने कहा ना 4 लेन से 6 लेन क्यों करते हैं, तो BRTS क्यों हटाए, इस पर प्रश्न करने का सवाल नहीं है, जो हुआ है वो अच्छा हुआ है। मेट्रो तो सोच समझ के बन रही है ना, उसमें तो दिक्कतें नहीं आएंगी ना मालू जी, क्यों नहीं उठाना चाहिए होगा आने वाले समय में, ये भी सवाल उठे कि यहाँ पर बना दी गई पर यहाँ पर नहीं बननी चाहिए थी। ठीक है सत्य प्रकाश जी का रुख कर लेती हूँ। सत्य प्रकाश जी कैसे देख रहे हैं आप पूरी चीजों को, कैसे देख रहे हैं? देखिए पैसों के मामले में, चाहे जब निर्माण हुआ तब का भी सवाल उठेगा, मेंटेनेंस हुआ उसका भी सवाल उठेगा, अब नया जो फैसला लिया गया है उस पर भी कई सवाल उठेंगे कि आखिर किस तरह की रणनीति के साथ आगे इसमें बढ़ना होगा, सब तरह की सुविधाएं देनी होगी, कुछ बैकअप प्लान लेके चलना होगा, एनालिसिस के साथ चलना होगा। देखिए रितु जी, एक सबसे पहली चीज तो एक कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने देश के अंदर जो निर्णय लिए हैं, यानी कि लीडरशिप शिफ्टिंग के, उसी का ये परिणाम है। देखिए शिवराज सिंह जी लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे, ये भी निश्चित है कि उनकी जो सिलेक्टेड ब्यूरोक्रेसी थी वही उनके इर्द गिर्द घूमती रही, और उनकी कहीं ना कहीं सेंट्रल लीडरशिप में छवि को खराब करने में उन लोगों का बड़ा रोल था। भले ही ये मुद्दा कई बार उठा, शिवराज सिंह जी चाहते भी थे कि ये हटे, लेकिन ब्यूरोक्रेसी के जाल में फंसे होने के कारण वो ये निर्णय नहीं ले पाए। ये निर्णय तभी तो जब दूसरे मुख्यमंत्री आए, मोहन यादव ने ये स्ट्रांग डिसीजन लिया और उस पर तुरंत 15 दिन के बाद ये डिसीजन लेके उसको रिमूव करने का। लेकिन एक चीज है मालू जी की बात को मैं थोड़ा समय से, प्रकाश शर्मा जी समय चुकी कम है, आप सभी का यही धन्यवाद करना होगा, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का ही चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बड़ा फैसला तो ले लिया गया है, BRTS पर सियासत भी हो रही है, अब आगे जो है BRTS मुक्त राजधानी होगी, हालांकि किस रणनीति के तहत आगे बढ़ा जाएगा इस पर अभी बातचीत हो रही है, चर्चा चल रही है, पर कितनी कारगर साबित होगी ये रणनीति आगे आने वाले समय में ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इतना है। गुलाब जामुन।